नमस्कार, मैं बबीता अस्थाना चौहान पतंग पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पतंग पर इतना प्यार दुलार लुटाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज पतंग पर आगरा से मान सिंह मनहर जी ने एक कविता भेजी है, उसको मैं प्रस्तुत करूँगी। उस कविता का शीर्षक है वक्त। तो कविता कुछ इस तरह है, वक्त ही इंसान को नचाता है, वक्त ही इंसान को नचाता है, दौलत की डपली बजाता है, कहीं अश्म तोड़े हाथ नाजुक, कहीं अश्म तोड़े हाथ नाजुक, देख पाषाण पिघल जाता है, वक्त ही इंसान को नचाता है, कहीं दम तोड़ देती है प्रतिभाएं, कहीं उपलब्धियां लुटाता है, कहीं दम तोड़ती है प्रतिभाएं, कहीं उपलब्धियां लुटाता है, वक्त इंसान को नचाता है, बेबस पैरों में बांध घुंघरू, रंगीन महफिलें सजाता है, बेबस पैरों में बांध घुंघरू, रंगीन महफिलें सजाता है, कहीं मजबूरियों का गिद्ध बन देह नोच नोच खाता है, वक्त इंसान को नचाता है, वक्त इंसान को नचाता है। हाल पूछो ना उन बड़े महलों का, हाल पूछो ना उन बड़े महलों का, दर्द के जो गीत गुनगुनाता है, थी कभी उसकी भी हवेली मनहर, थी कभी उसकी भी हवेली मनहर, जो वृद्धाश्रम चला जाता है, जो वृद्धाश्रम चला जाता है, वक्त ही इंसान को नचाता है, हौसले जो बुलंद रखता है, हौसले जो बुलंद रखता है, वक्त उसी से मात खाता है, वक्त उसी से मात खाता है, वक्त से जो कभी नहीं हारा, वक्त से जो कभी नहीं हारा, खुद वही वक्त को नचाता है, खुद वही वक्त को नचाता है। शुक्रिया।